नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा दोनों हाथ जोड़कर सब कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम से तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत रसमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव भजनवृंद मातृवृंद दुर्गत सज्जन वृंद हरिकथा पिपाशु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम सिखा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें अरे वो नहीं कर बहुत आनंद की बात है। हम लोग काल से कुछ भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे थे, विशेष करके काल आप लोगों के निकट मैंने एकादशी तिथि के महत्व श्रवण कराया। सभी लोग एकादशी तिथि पालन कर रहे हैं, ये बार बार आप लोगों के अनुरोध है, क्योंकि एकादशी के दिन समस्त पापों की बीज जो है सीड ये पांच प्रकार अनाज में शस्त्र में रहता है। आप अस्तिक हो नास्तिक हो अथवा किसी धर्म संप्रदाय को हो एकादशी पालन करनी चाहिए है? सभी संप्रदाय के लोग एकादशी पालन करते हैं। काल बड़ी दुख आई, ये आप लोगों ने एकादशी के दिन भी अन्न प्रसाद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया बैठा है, ये ठीक नहीं, ये धर्म विरुद्ध है। मृत्यु भी हो जाए शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन खाना नहीं चाहिए और खिलाना भी नहीं चाहिए। जो खाते हैं वो तो पाप भोजन कर रहे हैं और जो खा रहे हैं वो भी ये जो खिला रहे वो पाप भोजन करा रहे हैं, अपराधी माना जाता है। इस पाप की समझ भजन बहुत जन्म के बाद होगा किसी न किसी में, किंतु पहले हम विधि और निषेध को हम पालन करें। जैसे एक व्यक्ति कसाई है वो हत्या करता है, जो गाय को काटता है और जो गाय को व्हाइट वॉश स्लॉटर हाउस में पहुंचा देते हैं अथवा सहायता करते हैं तो दोनों ही अपराधी माना जाता है, दोनों ही गोवध के हत्या के भागी बनते हैं, बोथ आर ऑफेंडर्स माना जाता है। एक व्यक्ति घर में आग लगाते हैं और दूसरे व्यक्ति आग लगाने सहायता करते हैं, दोनों ही क्रिमिनल
माना जाता है दोनों की जज दंड देते हैं। आप पीछे इसके समझिए, क्योंकि हम साधु या शास्त्र के वचन नहीं कहें तो कौन कहेगा? आप बताओ, संत महात्मा यदि आपकी शास्त्र के वचन नहीं कहे कौन कहेगा? संसार के जीव तो पाप कर्म करते जाए, कोई शराब पीते हैं, कोई गोवध करते हैं, गाय वध करते हैं, मातृ हत्या करते हैं, पितृ हत्या करते हैं, ब्राह्मण हत्या करते हैं। संत महात्मा शास्त्र क्या कहते हैं? नहीं, ये अपराध करना नहीं चाहिए। इसको समझिए, एक तो जीव अज्ञानी है, जानते नहीं है, इसलिए जीव को हमें निकट एक बात पूछा देना। अज्ञानी भागवत की तात्पर्य क्या है? ज्ञान को प्रकाश करना, अंधकार को ध्वंस कर देना। जीव के हृदय में उसके पता नहीं है ये क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए संत महात्मा सर्वत्र विचरण करते हैं और स्वयं भगवान साधु गुरु और शास्त्र के रूप में प्रकट होकर के जीवों के जो है समाचार देते हैं। इसलिए देखो, आपके निकट बार बार मैं करबद्ध होकर के निवेदन करता हूं, अगले एकादशी में आप लोग किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए और खिलाना भी नहीं चाहिए। एक तो खाना ही नहीं चाहिए और खिलाना नहीं चाहिए, दोनों ही पापी के भागीदार बने जाए, दोनों ही जम लोग में जाएंगे। आप लोग के जम महाराज के कथा सुनाया, संग भगवान ने ये भी ऐलान कर दिया ये एकादशी जो पालन करेगा वो मेरे सच्चा विष्णु लोक में जाएगा। इसलिए आप लोग के निवेदन यह है एकादशी पालन हैं? और दिन खिलाइए, आपके पास बहुत धन है, भगवान दे हैं, गुजरात के लोगों के पास पैसा कमी नहीं है। भारतवर्ष में सबसे बड़े बड़े धनी कौन लोग होते हैं? गुजराती लोगों के। स्वामी नारायण के जो मठ जो बने हुए देख करके तो हैरान हो गए। मैंने पूछा ये सब पैसा कहाँ से आया, बल सारे गुजराती लोग। गुजराती लोग कमाना जानते हैं और सत प्रयोग करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लोगों के दान देते हैं। गुजराती लोगों की एक विशेष वैशिष्ट है। मैं सारे भारतवर्ष में घूमा, उत्तर दक्षिण पश्चिम सारे देश में घूम लिया, भारतवर्ष की पोशाक घुमा और विदेश में कम से कम मोर देन 60 कंट्रीज मैंने गया। आज से करीब करीब 22-23 साल लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूं, विदेश भ्रमण करते रहा। तो जहां जहां पर विदेश में भी बड़े बड़े मंदिर है, स्वामी नारायण जी का मंदिर और मंदिर है, मैं पूछता रहता हूं, सर्वे करता रहता हूं। ये सारे ये गुजराती लोगों की विशेष एक वैशिष्ट अवदान का है। ठीक है, भगवान ने आप लोगों के शक्ति दिया और पैसा भी दिया, उस पैसे सत्प्रयोग की खिलाइए लोगों के, बहुत अच्छी बात है। गरीब को सहायता कीजिए, गरीब को खिलाइए, जिसके पास अन्न नहीं है अन्नदान करिए, जिसके कपड़े नहीं है कपड़ा दान करिए, वस्त्र दान कीजिए, किंतु सब दान कीजिए, किंतु एकादशी के दिन क्या बोला, जोर से बोलो, अन्न मत खाना और अन्न मत। ये है कि हमारे शास्त्र की वचन है, ये एकादशी के दिन समस्त प्रकार पापों के जब बीज तो पांच प्रकार अन्न में रहता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, जितने प्रकार के महा महा पापों के बीच कोई एकादशी के दिन ये पांच प्रकार अन्न में आप अनाज में रहता है। देखो अभी अभी हम लोग आए हैं, सुंदर से विग्रह दर्शन कर रहे, सनाथ जी दर्शन कर रहे हैं, बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित बहुत सुंदर है, बल्लभपुर की
अधिष्ठात्री देवता भी माना जाता है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बल्लभाचार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और ये बल्लभाचार्य सच्चा रमण चैतन्य महाप्रभु के साथ मिले, बड़े विद्वान पंडित थे, शास्त्रज्ञ रसज्ञ तत्वज्ञ मर्मज्ञ सब कुछ थे है। उनके संप्रदाय की भी हम लोग देखा, वो लोग भी एकादशी पालन है। इसलिए समस्त संप्रदाय के यह तो भी विष्णु विष्णु से क्या बोले श्री संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय चार संप्रदाय सभी संप्रदाय के लोग एकादशी पालन करते हैं। यहाँ तभी कि मायावादी लोग भी एकादशी पालन करते हैं, जो भगवान की मूर्ति को विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, अहम ब्रह्म आदि कहते हैं। कौर्मी लोग ज्ञानी लोग सभी प्रकार के लोग एकादशी पालन करते हैं। एकादशी के दिन किसी प्रकार से अन्न खाना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने काल आपने दिनकर पहले कह दिया एकादशी के दिन फलाहार कीजिए, फलाहार कीजिए। भगवान ने इतने सुंदर फल प्रकट कर दिया, फल खाइए, दूध लीजिए, दही लीजिए। देखो गुजरात में कितने गाय है, मैं देखकर इतना हैरान हो गया है। रास्ते में कितने गाय, सुंदर सुंदर गाय, बलिष्ठ गाय भी है, दूध देती है। मैं पंजाब में भी गया था पिछले साल, बड़े बड़े गाय भी है, कितने दूध देती है। हमारे भारतवर्ष की कमी नहीं है। लोग कहते हैं हमारे भारतवर्ष गरीब देश है, लेकिन जो कहते हैं वो भारतवर्ष दिखाई नहीं है। हमारे भारतवर्ष सबसे बड़े धनी देश है, सब प्रकार के धर्म में विचार में सब प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम भी विदेश में गए, इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब देश में घूमा है। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सब हमारे इंडियन डॉक्टर है, सब बड़े बड़े सर्जन जो कुछ भी है सब इंडियन डॉक्टर है। हमारे भारतवर्ष से छोड़ करके और वहां पर वो लोग सब। तो भारतवर्ष हमारे गरीब देश नहीं है, भारतवर्ष हमारे सबसे बड़े दिन। भागवत में भारतवर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की, जहां पर बड़े बड़े देवता लोग भी संत में देवता लोग भी इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं भगवान भारत भूमि है, पुण्य भूमि कहा जाता है, जहां पर राम कृष्ण की प्रकट हुए, जन्म हुआ, लीला ही राम कृष्ण के जन्म हुए। गीता की पहले श्लोक में भी कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा जुदु सब माम का पांडवाश्चैव कीमा कुरुवत संजय। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र, सप्त मोक्ष दायी का भूमि कुरुक्षेत्र माना जाता है। काशी कांची ये समस्त सब पवित्र भूमि, मोक्ष दायी का मुक्ति देने वाले है। इसलिए ये पवित्र स्थान भारतवर्ष में, और भारतवर्ष छोड़कर के किसी देश में वर्णाश्रम धर्म और भगवत पूजा आदि नहीं है। इसलिए ऐसे पवित्र भारतवर्ष में भगवान ने हम लोगों के जन्म दिया, इसलिए हम भगवान की भजन करें। और देशों में जन्म लेते केवल भोग विलास आदि करते रहते हैं, गाय काटते हैं, गोमांस खाते हैं, ना जानी कैसे कैसे लोग पाप कर्म आदि करते हैं, उनके पता ही नहीं है पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। हमारे बड़े बड़े आचार्य जो लोग यही भारतवर्ष के रामायण भागवत गीता की कथा देश विदेश में प्रचार करते हैं, और ये भारतवर्ष के बड़े बड़े धनी लोग विदेश में जाकर के बड़े बड़े मंदिर भी स्थापना करते। मैंने जैसे कहा बहुत बड़े बड़े साहब हमारे भारत के ऐसे ऐसे मंदिर, राम की रामचंद्र की मंदिर है, और क्या स्वामी नारायण की मंदिर है, और सनाथ जी के मंदिर, कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर, विष्णु मंदिर, सनातन धर्म मंदिर क्यों किया। ये हमारे भारतवर्ष के ऐतिह्य है, जगत में प्रचार करने, और वही ऐतिह्य के मूल है क्या, हम पाप से कैसे मुक्त हो, क्योंकि
क्योंकि जब हम पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भक्ति कर नहीं पाएंगे। और पाप से मुक्ति होने के पहली सोपान सिद्धि क्या है? एकादशी को पालन करें। अगले एकादशी में आप लोग एक तो अन्न खाइए मत और दूसरी भी खिलाइए। क्या बोला? हाथ ढक के बोलिए। क्या बोला? जोर से बोलो। एकादशी के दिन कितना खाएंगे? नहीं खाएंगे। कौन कौन खाएंगे हाथ उठाइए। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन कौन अन्न खाएंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जो नरक में जाना चाहते हैं एकादशी के दिन अन्न खाइए और खिलाइए। 100% गारंटी वो नरक में जाएगा। अब इसलिए आप लोग के निकट यही बनने का भक्ति तो हमारे पास बाद में हो जाएगा। श्रीनाथ जी तो हमारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। देखो बलवाज बलवाज जी के प्रतिष्ठित एक्चुअली ये विग्रह जो है कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाब ने ये विग्रह के बनाया जिसके गोपाल का दिन गिरिराज गोवर्धन के ऊपर था और फिर हमारे माधवेंद्र पुरीपाद इसको प्रकाश किया और फिर ठाकुर जी कहां चले गए? नाथद्वार में चले गए। इनके मूल जो है अभी नाथद्वार में। मैं भी कई बार नाथद्वार में गए, ऐसे दर्शन किया, बहुत आनंद आया। मैं कई बार नाथद्वार गए, जयपुर से आगे पुष्कर, पुष्कर होते हुए अजमेर, पुष्कर फिर उस स्थान पर दर्शन किया, बहुत आनंद आया। मैं भी जाते थे पहले पहले बहुत भक्त के लेकर के जाते थे ये सब स्थान दर्शन करने के लिए, जयपुर, जयपुर से अजमेर, पुष्कर और फिर नाथद्वार, उदयपुर, ये सब दर्शन। इसलिए आप लोग ही उसी परंपरा में है, इसलिए ठाकुर जी के भजन उसी प्रकार करना है। पहले एकादशी पालन करना, क्योंकि एकादशी पालन करने से पाप से मुक्त हो जाओ। और यदि एकादशी नहीं पालन करे, एकादशी के दिन अन्न भोजन करे तो पाप भोजन करो। और पापियों के मुख में कभी भगवान प्रकट नहीं हुई, ना पाप पापी के मुख में कभी नाम राम नाम चरण केवल अक्षर मत हो जाएगा, नमक्खर वैराय वटे नाम। इसलिए देखो हमारे विदेश जी कल खाए नहीं, फिर उनके घर में जाकर के दीदी के बोले जाओ बना, ये लोग सब बनाया। देखो विदेशी लोग कितने पक्का है, बोले नहीं नहीं हम खाए नहीं। तो आप लोग भी सुनिए, हम विदेश में इसलिए प्रचार करते हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम भारत में ये हम विदेश में प्रचार करते हैं, विदेशी लोगों को हम देख रहे हैं। और हम इधर आकर के और लोगों के जुड़ी एकादशी के दिन अन्न खिलाए, आटा अथवा जो कुछ बना वो पाप भोजन के। आप सोच रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं आप पुण्य कर रहे हो, भगवान ने आपको पैसा दिया पुण्य कर रहे हो, किंतु आप क्या कर रहे हो? पाप कमा रहे हो। सोचिए थोड़ा कष्ट होगा सुनने में, किंतु सच बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो पाप करते रहोगे। और हम यदि नहीं बोले, मुझे जब महाराज कहेंगे तुम उस स्थान पर गए थे और वो लोग ने अन्न खिलाया और तुमने प्रतिवाद नहीं किया, एक पाप करता है और जो पाप को जो देखता है एक बार सपट करता है वो दोनों ही भागीदार बनता है, इसका हमें कहना पड़ता है। सुनिए अच्छी तरह से, देखो आगे की कथा सुनाता हूं। ये अगले एकादशी कौन कौन एकादशी करेंगे हाथ उठाइए सब, सभी लोग एकादशी करें। कैसे एकादशी करेंगे? अन्न नहीं खाएंगे, बोलो एकादशी के दिन नहीं खाएंगे। जोर से बोलो एकादशी के दिन नहीं खाएंगे। हाँ, केवल चावल नहीं, चावल आटे गेहूं दाल बाजरा या तो भी साबूदाना भी खाना नहीं चाहिए। साबू खाते हैं ना, कुछ कुछ लोग साबूदाना खाते हैं, वो भी हमारे शास्त्र में माना है। एकादशी के दिन फलाहार कीजिए, दूध पान कीजिए, दही ले लीजिए और फल
फल ग्रहण कीजिए, हैं केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, भगवान ने क्या, और शरीर ठीक है तो सब क्या करें, हैं निर्जला करें, निर्जला नहीं लाके तो कोई भी बात नहीं। कहते हैं हमारे पेट ठीक नहीं है, पेट में दर्द होता है, हाँ भाई हैं ठीक है, आप भोजन की हैं फलाहार कीजिए, किंतु अन्न अन्न ग्रहण ये हमारी कमी है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगा, हम श्रीनाथ जी मंदिर श्रीनाथ जी ठाकुर जी के दर्शन करके आ रहे हैं, कितने सुंदर है गोपाल जी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, हैं थोड़ा समय बैठना पड़ा, बहुत अच्छा लगा है। हम तो जाते थे श्रीनाथ जी जाते हैं वहीं पर मंगल आरती जो दर्शन होते हैं अद्भुत होता है। कौन कौन दर्शन किया श्रीनाथ जी का मंगल आरती गए हैं, कौन कौन गए हाथ उठाइए, देखा ना कितने सुंदर ठाकुर जी के मंगल आरती। मैं 2-3 दिन रात वहीं पर रहता था और हर रोज दौड़ दौड़ करके जाते और ठाकुर जी के इतने सुंदर विग्रह मंगल आरती होता है पूजा में, ठाकुर जी के उस समय श्रृंगार नहीं होते हैं मंगल आरती में, बिना श्रृंगार के हुए ठाकुर जी कितना है? बोलो श्रीनाथ जी की है, इसलिए भगवान की लीलाओं से बहुत सुंदर है। देखो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्वयं कृष्ण है, माँ यशोदा नंद महाराज सुबल सीताम राधा गोपी आदि ललिता आदि सभी के साथ ब्रजवासियों के साथ अनेक लीला आदि करते रहते हैं, जिसको कहा जाता है नित्य लीला कहा जाता है। भगवान के एक लीला के नाम क्या बोला, नित्य लीला है, इटर्नल से फास्ट आंसर कृष्ण के जो है एक नित्य लीला है, नित्य गुरु लीला। और एक लीला होता है नैमित्तिक लीला, जब भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं कुछ लीलाओं क्या कहता है नैमित्तिक, निमित्त के आश्रय करते हैं, उस जगत में वो नहीं है, जैसे रे पुतना नहीं है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पुतना नहीं है, किंतु जब भगवान इस जगत में है लीला प्रकट करते हैं पुतनावाद लीला होती है, अनेक लीला है इस समय आचार्य उपाधि। और एक लीला कहा जाता है क्या बोलते हैं, जैसे इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, क्या बोला इंद्रजाल की लीला कहा जाता है, इंद्रजाल की लीला क्या है, जो सत्य नहीं है, मिथ्या के रूप में जो प्रकटित होते हैं लोगों के दिखाने के लिए, कुछ लीलाएं ऐसे होते हैं शायद आप लोग नहीं जानते, क्या बोला, जैसे जादूगर जानते हो क्या बोलते हैं, मैजिशियन ऐसे ऐसे कुछ लीला भी दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऊपर से देखते हैं सच दिखाते हैं, किंतु वो सच नहीं है, झूठा है, तंत्र मंत्र आदि के द्वारा लोगों के आंखों के जो है बंद कर देते हैं, अथवा हाथ के ऐसे कसरत के द्वारा कुछ दिखाते हैं, लोग उसे सच मानते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में कुछ साल से पहले बीसी सरकार बहुत प्रसिद्ध था, बीसी सरकार उन्होंने आकर के लीला जादू दिखाया, हम भी देखा उनको लीला, देखो एक जिंदा व्यक्ति के एक बक्से में भर दिया और उसके ताला चाबी बंद कर दिया और ताला चाबी दर्शक को दे दिया, आज समझ में नहीं, सबके सामने देखा, हम भी देखा, हमारे गुरुदेव भी थे उस समय, सबके सामने देखा, और 2 मिनट बाद ऐसे ऐसे ताली दिया तो जो व्यक्ति अंदर में था ना वो पीछे से आकर के सबके पास आकर गया, बोले कैसे आ गई, इसे कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, जादूगर दिखाते हैं, जादूगर जैसे अनेकों लीला आदि दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, लोग के पता नहीं रहता, आजकल कुछ झूठे व्यक्ति भी है लीला करते रहते हैं, आज समझ में नहीं, लोग पकड़ लेते हैं,
किंतु भगवान की कुछ लीला जिसे कहा जाता है, क्या मैंने कहा, इंद्रजाली की लीला कहा जाता है, जादूगर वा लीला कहा जाता है। उसमें दो लीला विशेष कहते हैं, एक है मौसल लीला और दूसरी है भागवत में कहा गया महिषी हरण लीला। कृष्ण के महिषियों के जो है हरण करके किडनैप करके ले चले गए। जब भागवत में वर्णन है, जब स्वयं भगवान कृष्ण ये द्वारका लीला समाप्त करके प्रभास खंड में चले गए और उस समय स्वयं भगवान अर्जुन के बोले, अर्जुन देखो मैं जा रहा हूं, मेरे महिषी के तुम हस्तिनापुर ले जाओ। भागवत में वर्णन है, सुनिए अच्छी तरफ से ये द्वारका की लीला कथा बता। कृष्ण प्रकट होने के बाद कृष्ण जब चले गए तब अर्जुन ने जय की सारे महिषियों के 16,000 महिषियों के लेकर के हस्तिना के ओर चलने लगे और चलते चलते कुछ दूर आने के पश्चात कुछ दस्यु जो है डकैत जो है वो गोप जाति था और लोग उन्होंने क्या कि अर्जुन के सामने सारे महिषी को हरण करके ले चलेंगे, किडनैप करके। यद्यपि अर्जुन के हाथ में गंडीप था किंतु अर्जुन वो गंडीप को उठा नहीं पाए। देखते देखते वो समस्त दस्यु जो है दकैत जो है सारे महिषी के हरण करके ले लिए। बोले वो कौन था? बोले स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में दस्यु के रूप में आकर के महिषियों के जय रानियों के जय हरण करके ले गए। इसी के कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण नित्य परिकर के लेकर के चले गए और ऊपर से दूसरों को दिखाया ये दस्यु जो है महिषी का हरण करके ले गए। और दूसरी एक लीला कहा जाता है दरगापुरी में मौसल लीला कहा जाता है, वो भी बहुत सुंदर है, भागवत में वर्णन है। कृष्ण के पुत्र न पुत्र सांब बेटा। अच्छा चलो, उन्होंने कहा कि एक बार दरगापुरी में सब बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए थे और उसी समय उस समय दरगापुरी में सारे लड़के लोग संत महात्मा के हंसी मजाक करने के लिए और उनको ये बनाया, प्रद्युम्न को बनाया सर संभव के लिए प्रद्युम्न को बनाया, एक सुंदर लड़की बना दी, कपड़ा पहना करके से लड़की बना दी और उसके पेट में कपड़ा बंद बंद करके गर्भवती महिला के भांति कर दिया और घुंघट इतना बड़ा लगा दी और दुर्वासा ऋषि आदि नारद आदि बड़े बड़े जहां पर संत महात्मा बैठे हुए थे कुर्सी ऋषि सभा में जाकर के बोले, हे ऋषि लोग आप लोग तो त्रिकालक ग्रह है, देखो ये अभी बच्चा प्रसव करने वाली है, आप ये बताइए ये लड़का जन्म देगा देगी और लड़की जन्म देगी, ये बहुत नाजुक है लज्जाशीला है, इसलिए घुंघट खोल करके घुंघट जो है ढक करके रखे हैं। आप लोग तो त्रिकालक ऋषि हो, आप लोग बताइए ये लड़का को जन्म देगा कि लड़की को जन्म। तो उस समय उस सभा में एक संत दुर्वासा ऋषि थे, कहते मूर्ख संत महात्मा महत्व नहीं जानते हो, जा इसके पेट से जो है मुसूल निकलेगा। बोले लड़का नहीं होगा लड़की नहीं होगा, क्या होगा? मुसूल। मुसूल जानते हो? मुसूल किसको कहा जाते हैं? बोले पहले पहले धान कूटने के लिए व गेहूं कूटने के लिए ऐसे एक बड़ा लकड़ी होता है और लकड़ी के नीचे जो है लोहे के ऐसे फंदा रखा जाता है
देखा आप लोगों ने, किसने देखा? हाँ आप लोगों ने देखा। आजकल तो ढेकी भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है, इसलिए सभी के क्या हो गया, डायबिटीज रोग हो गया है। काम तो करता नहीं है, खा पी करके सो जाते हैं, उठते हैं, काम नहीं करते तो डायबिटीज तो हो गई है। क्या करने से, जो काम करके ना, देखो काम करके मुस्लिम चलाने का शरीर में स्वस्थ रहता है, अंदर ब्लड सर्कुलेट सर्कुलेशन होता है। मैं इसलिए कह रहा था, वो जो है मुसल जिसको कहा है, उसको लोहे के एक ऐसे छल्ला होता है, उसके कहते हैं जाओ इसके पेट में क्या निकलेगा, मुसल निकलेगा। आज इस मुसल के द्वारा तुम्हारे सारे जदुवंश ध्वंस हो जाएगा, अभिशाप दे दिया। और उस समय सारे लड़के लोग जल्दी जल्दी आकर के उसके पेट से खोला, कपड़ा को खोला, देखो ऋषि बाप को बेकार, ऋषि बाप का झूठ नहीं होता है, खोला देखा क्या, ये वो लोहे के छल्ला जो है इसको मुसल का है, वो निकल, बोले इससे तो जदुवंश ध्वंस हो जाएगा, सारे जदुवंश ध्वंस हो जाएगा। और उस समय वो बच्चा ने क्या की, उग्रसन के जाकर के कहने लगे, उग्रसन राजा थे, कृष्ण के साक्षात नहीं बोले, उग्रसन के बोले क्या की जाए। उग्रसन बोले देखो एक काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, क्या करो ये कि ये जो मुसल जो है, ये लोहे के टुकड़ा जो है, छल्ला जो है, जाओ समुद्र में, समुद्र के तट पर पत्थर है, पत्थर में इसको घिसो है। और समस्त जदुवंशी लोग और देखो वो लोहे के जो है छल्ला जो है मुसल जो है, और लेकर से घिसने लगे, घिसते 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 छोटी सी ऐसे रह गया था, और उसको लेकर के बीच समुद्र में डाल दिया, और उसमें एक मछली उसको खा लिया थोड़ी सी, और एक मछुआरा ने एक मछली को पकड़ा, मछली का जब पेट चीरा देखा तो इतना एक लोहे का टुकड़ा था, और उन्होंने क्या की एक वैद्य को दिया, शिकारी को दे दिया, और शिकारी ने क्या की अपने हिरण शिकार करने के लिए वो बाण के सामने रख दिया है, जिसके लिए वो भी दिखाया, ये कृष्ण के अंतर ध्यान होने की लीला भी इसमें भी दिखाया गया भागवत में ऐसे बने। और लोहे के जो वो पत्थर पर घिसा था ना, वो घिसते घिसते लोहे के जो वो सारे जो अणु जो होता है, और सारे समुद्र समुद्र के किनारे किनारे में सब ये सरखंडा हो गया। सरखंडा जानते हो, लंबी लंबी बात है, ऐसे सोरी सोरी जो है बांस जो होता है, उनके पत्थर जो है बहुत लंबे होता है, और तलवार के बहुत ही धार होता है, उसके संस्कृत में कहा जाता है सरखंडा। देखो एक दिन वह जादव लोग अपने आप बातचीत करते करते, और उन लोगों ने वो पान कर लिया, क्या पान किया, क्या पान किया था, मदिरा के भांति, मदिरा नहीं है, सोम रस पान कर लिया था, और सोम रस पान करते उनके सारे सिर घूमने लगे, और एक दूसरे के जो है बातचीत करते करते बस लड़ाई होने लगी, पहले हाथाहाथी हाथ से ऐसे पहले लगे, फिर पत्थर से फेंकने लगे, करते करते समुद्र के किनारे में जितने भी सरखंडा था ना, वही मुसल से जो सरखंडा निकले, और उसी लेकर के एक दूसरे से पिटाई करके सारे जदुवंश क्या हो गया, ध्वंस हो गया, सारे जदुवंश मर गया है, भागवत में ऐसे बन गया। किंतु ये भगवान के नित्य परिकर वो कहां मरेंगे, एक्चुअली एक स्वरूप में भगवत धाम में चले गए, और दूसरे स्वरूप में लोग दिखाया कैसे मर, इसी के कहा जाता है, क्या बोला, इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, बात जादूगर जैसे लीला दिखाते हैं, वास्तव में सत्य नहीं है, जैसे हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, सुनिए आराम से। एक बार एक राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, इतने समय एक मादारी आई, मादारी जानते हो जो जादू खेल दिखाते हैं, डुक 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 बजाते हैं,
और बजा करके अनेक प्रकार के खेल दिखाते रहते। वो मादारी आते, मादारी ने कह कि देखो दो बांस की डंडा ले लिया, अब दोनों बांस की इस तरफ एक गाड़ दिया, थोड़ा उस तरफ गाड़ दिया और एक रस्सी बांध दी है, आंसर नहीं, दोनों बांस की ऊपर क्या की एक रस्सी बांध दिया है। और वो मादारी के पत्नी आ गई और उनके मादारी के पत्नी ने कह कि छलांग लगाई और रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। और वो मादारी ने कह कि एक क्या बोलते हैं डमरू लेकर के बजाने लगे है। और देखो वो मादारी के पत्नी रस्सी के ऊपर पैर बैलेंस करके चलना शुरू की और फिर तीन चार घड़ा रख दिया है और हाथ पे ऐसे फैलाते हुए बिना पकड़े हुए घड़े के बिना पकड़े हुए और हाथ पे ऐसे फैला दी और उसके ऊपर चले हैं। एक नहीं चार पांच छह घड़ा को सिर पर रख करके वो रस्सी के ऊपर चलने लगे हैं। और मादारी ने कहा कि वो भाग होता है ना जैसे बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको चले, वो जितना जोर से बजाने लगे और वो मादारी के पत्नी बैलेंस के अनुसार अनेक प्रकार खेल ऐसे करते हैं। यदि आप लोग गोवर्धन परिक्रमा में जाओगे ना देखोगे ऐसे आजकल भी लोग दिखा दे रहते हैं। हम देखा अभी अभी एक लड़की जो है 10-12 साल की लड़की वो भी ऐसे एक रस्सी के ऊपर चल रही, देखा ना आप लोगों ने, देखा आप लोग गोवर्धन परिक्रमा जाओगे ना वो रास्ते में दिखा देंगे लोग कैसे करते हैं और वो बजाते रहते और वो चलते इस किनारे से इस किनारे पर 10 मीटर रस्सी के ऊपर वो चलते। चलो राजा ने देख करके और ऐसे अनेक जो है खेल को दिखाया, राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी बैठी हुई थी, रानी प्रसन्न होकर के अपने सबसे महामूल्यवान गजमुक्ता हार को दे दी मादारी के पत्नी को दे दी। देखो मादारी के पत्नी जब एक गजमुक्ता हार मिल गया ना उनके सामने मादारी के दो बेटा छोटे छोटे था 4-5 साल की लड़का था और आकर के मैया मुझे दो मुझे दो, दोनों लड़का क्या करने लगे वो गजमुक्ता की जो है छीनने लगे हैं। जब छीनने लगे तब दोनों बच्चा जो आपस में झगड़ा करते हुए दोनों बच्चे ने किया कि तलवार उठाया, बहुत शानदार तलवार हैं, और उठाया दोनों बालक ने किया कि एक दूसरे के घर को बस काट दिया। देखते देखते सभी के सामने दोनों बालक की गला जो है धड़ जो है अलग हो गया मृतदेह पड़ा रहे। मादारी के पत्नी देखा अरे ये गजमुक्ता के लिए मेरे दोनों बेटा मर गया, तो मादारी के पत्नी ने कह दी फिर एक तलवार उठाई और अपने गला पे सिखा सबके सामने सबके सामने देखते देखते तीनों के जो है मौत हो गया है। देखो और वो मादारी ने देखा मेरे दो बेटा चला गया, मेरा पुत्री चली गई और मैं क्यों जीवित रहूं। इसलिए मादारी ने किया कि वो भी तलवार उठाया और सबके सामने अपने गला उठाया, सभी लोग देख रहे आंखों की पलक पड़ते ही नागिनी ऐसे करना एक ही साथ में कितने मौत हो गया, कितने मौत हुई चार, मादारी मादारी के पत्नी और उनके दो बेटा। सभा में हजार लोग बैठे हुए थे और सभी शोक प्रकाश किए और इसके कारण कौन बना, ये चार जो मौत हुई उस सभा में इसके कारण कौन बना, महारानी। यदि महारानी हार नहीं देते देती तो चार लोगों की मृत्यु नहीं होती, इसलिए महारानी बहुत दुखित हो गए, राजा भी दुखित हुए, सभा के लोग सब हाहाकार करने लगे, बोले जो होने वाले तो हो गया। देखो आश्चर्य की बात है, इसके बाद एक व्यक्ति आया बोलो चार लोग तो मर गया, इसके मृत्युदेव के क्या की जाए,
जलाया जाए। उसी सभा में देखो चार व्यक्ति के मृतदेह जो है सभा के सामने आग लगा करके वसूलित कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। इसके बाद राजसभा तो भंग हो गया, सब लोग चले गए। दूसरे दिन महाराज वो उसके शोक मनाने के लिए जैसे हम लोग इधर उठावनी करते ना, क्या बोलते हैं, शोक मनाते हैं ना, गुरु प्राण आदि पाठ करते हैं, जो करते हैं जैसे जैसे दिशाचार है। शोक मनाने के लिए महाराज महारानी सभी दर्शन पे बुलाए, विशाल सभा हुई, खचाखच भरी हुई थी सभा में, लोग इतने भरे हुए थे क्या बताएं, शोक मनाने के लिए हजार लोग बैठे हुए थे, विशाल राजसभा था और राजा महारानी भी बैठे। किंतु सबसे बड़ी दुख किसके हृदय में हुआ, किसके हुआ, महारानी, क्योंकि महारानी यदि अपने गजमुक्ता हार को नहीं देते ये चार मोट नहीं, इसलिए महारानी भी आई सब शोक प्रकाश करने के लिए, जो मेरे वजह से जो है ये चार व्यक्ति मर, शोक मनाने के लिए सब बैठे खचाखच भरी हुई थी। इतने समय पोस्ट मास्टर आ गया, जो चिट्ठी चिट्ठी देते हैं ना घर में, क्या बोलते हैं, पोस्टमैन, डाकिया, डाक लेकर के पोस्ट, और महाराज के हाथ में दे दिया, महाराज ये अब पे जो है अर्जेंट क्या बोलते हैं, इमरजेंसी जो है, आपके ये पत्र आया, इसके आप खोल करके पढ़िए, उसमें पत्र लिखा है, महाराज आपके जो है ये इमरजेंसी जो है पत्र आया आपके लिए। उस समय देखो महाराज महारानी के पास बैठे हुए और इसमें पत्र खोला, पत्र में इतना ही लिखा था, महाराज हे महारानी, उस दिन आप लोगों के मैंने जो खेल दिखाया और आपके महारानी के महारानी एक गजमुक्त देने से चार व्यक्ति के मौत हो गए, आप लोग संतप्त है, दुखी हो, मैं मुझे पता है, और महारानी जो पुरस्कार दिया था हमारे पुत्री आपको जो खेल दिखाया जो मादारी इति आपके मादारी इतना ही दिखाया है, ये महाराज अभी हम आपके पास आ रहा हूं अपने पत्नी और दो बेटा के लेकर के, आप क्या पुरस्कार दोगे, इतना ही उसमें लिखा था। महारानी और महाराज जब पढ़े और ऊपर ऐसा देखा, क्या वही मादारी और उनके पत्नी और दो बेटा उस सभा में प्रवेश करने लगे, सब लोग देख कर आश्चर्य हो, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, सभी के आंखों के सामने चारों की मृत्यु हुई और सभी के आंखों के सामने चारों के शरीर को क्या कर दिया, दाह संस्कार के, और वो चार व्यक्ति कैसे आए, तो उसी कहते हैं वो मादारी करने वाले महाराज, इसी के कहा जाता है क्या, इंद्रजालिक कहा जाता है, इसको हम लोग जादूगर कहा जाते हैं, जादूगर कुछ नहीं है वो, उसी प्रकार कुछ इंद्रजालिक करते हैं, कुछ हाथों के सफाई के द्वारा लोगों के दिखाते हैं उसके सत्य मान, समझ में रहता है, जैसे हम अभी भूज में था ना, पद पद ये सब बड़े बड़े पोस्टर लिखा गया इंद्रजालिक, ना क्या लिखा जादूगर का, ये जादूगर कुछ नहीं है, हमारे पास आंखों की कुछ सफाई, हाथों की सफाई और आंखों की कुछ ऐसे कर देते हैं जिसको हम सत्य मानते हैं, किंतु सत्य नहीं है, आसमान में अनेक तंत्र मंत्र आदि के द्वारा भी होता है जो लोग करते हैं, इसे कहते हैं इंद्रजालिक कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान के जो दो लीला मैंने बताया, कौन कौन लीला, मूसल लीला और क्या लीला बताया, महिषी हरण लीला, इसे कहा जाता है क्या लीला बताया, इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, लोग उनके सत्य मानते हैं किंतु ये सत्य नहीं है, इसलिए भगवान की कुछ लीलाएं जो है इसी प्रकार का, जैसे अभी अभी कथा सुनाया
स्वयं भगवान वृंदावन की लीला की, वृंदावन की लीला के पश्चात मथुरा चले गए। मथुरा से भगवान कहाँ चले गए? द्वारकापुरी में गए, और द्वारकापुरी में 16,108 महिष के साथ विवाह भी किया। समझे कितने पत्नियां थी भगवान कृष्ण का? कितना है बताइए आप लोग, आपका कितना है? आपका पत्नी कितना है? दो है, चार है, एक पत्नी है। और भगवान कृष्ण के कितने पत्नियां थी? 16,108। एक पत्नी पालन पोषण करने में आपको कितना कष्ट होता है? है कि नहीं है? सारे कमा के पैसा, सारे खून सब नष्ट हो जाता है। और आपके कितने बच्चा है आप बताओ? आपके कितने बच्चा है बालक है? बेटा कितना है? दो बेटा है। बेटी कितना है? बेटी नहीं है बोल रहे। इनके दो बेटा, आपके नाम क्या है बताइए, जोर से बताओ। मगन भाई की जय। उनके एक पत्नी दो बेटा एक बेटी नहीं है। अरे बेटी है, राधा जी के बेटी मानो, क्या बोला? दो बेटा है और आपके पास एक बेटी कौन है? राधा जी। राधा जी के चित्रपाट घर में रखो, उसके कथा भी सुनाऊंगा। देखो नित्य हर रोज आपके राधा जी आएगी आपके पास। बहुत अच्छी बात सुनकर के, आपके दो बेटा और बेटी नहीं है। और भगवान कृष्ण के कितने बेटा थे बताइए आप लोग बताओ? एक एक पत्नी के 10-10 बेटा और एक एक बेटी थी, तो कितने हो गया? 1,177 एक एक पत्नी के 11 संतान संतति हो गया, 10 बेटा और एक बेटी। तुम्हारे पास कितने बेटी है? बेटी है ही सच है कि नहीं? किसी के पास दो बेटा है एक बेटी नहीं, किसी के पास दो बेटी है एक बेटा भी नहीं है, ऐसे होता ना। किंतु देखो द्वारकापुरी में भगवान के एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र बेटा और एक एक बेटी। आप हिसाब लगाइए, मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लीजिए कंप्यूटर में। 16,108 और उसके गुना करो 11 दे करके, कितना होगा? 170,188। यह तक नहीं, नहीं उनके और भी पोता पोती नाती नातनी नाजनी कितने? 1,788। देखो नाजनी कितने विशाल राजपुर। भगवान कृष्ण हो द्वारकापुरी में, और वो पत्नियां भी ऐसी नहीं थी हमारे घर के एक पत्नी के भांति नहीं है। वो सब सदा सर्वदा नवजौवन संपन्न, कभी बुढ़े नहीं कृष्ण, कभी बुढ़े नहीं हुए, वृद्ध नहीं हुआ। 125 साल कृष्ण धराधाम में रहे। कृष्ण के दाढ़ी देखा चित्रपट, देखा कि नहीं देखा चित्रपट में कृष्ण के? देखा दाढ़ी है, कितने लंबे दाढ़ी है देखा आपने? नहीं है। उनके बाल भी सफेद नहीं हुआ है, सदा सर्वदा तंदुरुस्ती बने रहे। उसी प्रकार कृष्ण के जितने भी पत्नियां भी बहुत सुंदरी नवजौवन संपन्ना है और भी नहीं है, सब एक एक भाव कला के द्वारा सुसज्जित है। उद्दाम भावो विष्णु मलबल गुहास, भागवत में वर्णन है रुक्मिणी सप्तभामा नागनजित लक्ष्मणा, ये समस्त कृष्ण के जो महिषियां जो थी रानियां थी, बोले दिखने इतने सुंदर है इस जगत में, जिसको हम क्या कहते हैं मिस यूनिवर्स, उसके पास कुछ नहीं है। इस जगत में मिस यूनिवर्स भी एक दिन भी बुढ़ी हो जाएगी है, आशा जी नहीं नाम लेना नहीं तो कहां गई, सब बुढ़ी हो गई सब है आज। किंतु
रुक्मिणी सत्यभामा नागनाजित लक्ष्मणा ऐसे करके वो सब चिराजीवन नाम होकर के क्योंकि भागवत में वर्णन उत्तम पिसोना मलबल गुहास रुक्मिणी सत्यभामा आदि कितने सुंदर है। उसी प्रकार कृष्ण भी ऐसे सुंदर है। देखो द्वारकापुरी में कृष्ण अनेक लीला आदि की शाम को आपके एक लीला सुनाऊंगा है। सुंदर सुंदर द्वारकापुरी में लीला भी है, है? देखो है? इसके पश्चात कृष्ण द्वारकापुरी में अनेक जो है असुरों के भी वध कर दिया, देखते देखते बड़े बड़े असुरों को भी पछाड़ दिया। क्योंकि भगवान ये धराधाम में किस लिए आते हैं? परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संतापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। युग युग में भगवान संसार में किस लिए अवतार लेते हैं? परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम दुष्ट जनों के पाप करने के लिए, दैत्य असुरों के मारने के लिए। बोले असुर कौन है? दो भूत सकल के अस्मिन दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भवेत दैव आसुर स्तद विपर्य। गीता में भगवान कहते हैं जो भगवान विष्णु के भजन करते हैं वो सब देवता माने जाते हैं। विष्णु भक्त भवेत आसुर स्तद विपर्य और उसके विपरीत सब असुर माने जाते हैं। ऐसे असुरों की माने दुष्कृतकारी जो दुराचारी है दुष्ट लोगों के बध करने के लिए और समाज की सभ्यता संस्कृति के जो है पुनः स्थापित करने के लिए जदा जदा आई भवति भारती। गीता में भगवान भी कहते हैं जब जब असुर लोग पापों के द्वारा पृथ्वी के भार कर देते पृथ्वी भारी हो जाए, ऐसे पृथ्वी जी के जो है पाप से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान धराधाम में प्रकटित होते पापियों की दंड देने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए इस जगत में प्रकट होते। ऐसे भगवान द्वारकापुरी में अनेक असुरों के वध किया और इसके पश्चात स्वयं भगवान धराधाम से नित्य धाम में चले गए। जाने के लिए एक बहाना भी बनाया जिसके मूसल जिला की कथा आप लोग के निकट मैंने सुनाया है। ये सब इंद्रजाली की लीला है, महिष्य हरण लीला भी इंद्रजाली की लीला कहा गया। जादूगर जैसे दिखाते हैं मस्त म्यूजियम दिखाते हैं है? ये दोनों लीला की क्या कहा? इंद्रजाली की लीला व जादूगरी लीला कहा जाता है। इसके पश्चात भगवान कहां चले गए? कहां गए? प्रभास में गए, प्रभास कंड में चले गए। द्वारका से आगे प्रभास में गए और प्रभास कंड में जाकर के स्वयं भगवान एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, पेड़ के डाली के ऊपर बैठ गए और बैठ करके वहीं पर उद्धव के जो है अनेक उपदेश दिया। इसे श्रीमद् भागवत में कहा जाता है उद्धव उद्धव संवाद कहा जाता है। एकादश स्कंध में स्वयं भगवान उद्धव के अनेकों जो है उपदेश दिया है, कैसे वर्णाश्रम पालन करना चाहिए, किस प्रकार समाज श्रृंखला हो, भक्ति कैसे पालन करें, इसमें अनेकों कथा को दिया। और इसके पश्चात स्वयं भगवान उद्धव के बोले देखो उद्धव 7 दिन के अंदर ये सारे द्वारकापुरी समुद्र के जल में डूब जाए और तुम जल्दी जल्दी जाओ हस्तिनापुर में जाकर के मेरे समाचार दो युधिष्ठिर आदि और अब क्या था वो विदुर मैत्री ऋषि आदि जो भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत उत्कंठित हुआ और अर्जुन की भी कहा जल्दी जल्दी महिषी के लेकर के जाओ जिसे मैं महिषी हरण लीला की कथा सुनाया हूं। और स्वयं भगवान वहीं पर बैठे भागवत में अंतिम में वर्णन होते जा रहे हैं।
तो भगवान जब दुखी होकर के बैठे, चिंतित होकर के, चिंतित कर चिंता होकर के बैठे थे, वास्तव में भगवान अपने परिकल एक स्वरूप में नित्य धाम में चले गए और एक स्वरूप में लोगों के दिखाने के लिए वहां पर बैठे। और एक दूर से एक बैज शिकारी बहुत दूर से देखा क्या भगवान के चरण कमल कैसे था, लाल लाल आभा युक्त, जैसे हिरण के मुख होता है ना, हिरण के जो मुख होता है, छोटे छोटे बच्चे हिरण के मुख होता है, बहुत सुंदर लाल लाल कुमकुम रंजीत आभा युक्त मुख होता है। तो वह शिकारी दूर से सोचने लगे ये कोई हिरण वहीं पर है। वो वैद्य ने क्या कि जरा वैद्य नाम आ गया, क्या नाम था उसका, जरा वैद्य शिकारी बहुत दूर से भगवान के चरण कमल के पैर के सोचा कोई हिरण है और हिरण समझ करके तीर धनुष उठाया और वो तीर में जो है वही छोटा जो पत्थर मैंने जो कहा था जिसे समुद्र में गिरा दिया था, मछली खा ली, फिर मछुआरा ने एक शिकारी के बैद को दे दिया, वही बैद जरानंद से बैद ने क्या की अपने तीर में लगाया और कृष्ण के चरण कमल के दूर से सोचने लगे ये क्या है, हिरण के मुख है और दूर से लक्ष्य करके बस लगा, उससे भगवान के चरण कमल में लगा और भगवान छोड़ करके चले गए। ये भी दिखाया वास्तव में, ये वास्तव सत्य में इसी के कहा जाता है इंद्रजालिक लीला। अरे भगवान क्या आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान है, भगवान के क्या कहा जाता है बताओ आप लोग, क्या कहा जाता है, परमात्मा, आत्मा के आत्मा, परम माने श्रेष्ठ आत्मा। यदि आत्मा में भागवत गीता में भगवान कहते हैं ये आत्मा में वायु स्पर्श नहीं कर सकते, पानी इसको भिगा नहीं सकते, आग उसको जला नहीं सकते है? तो आत्मा के आत्मा परमात्मा कैसे बाण के द्वारा मृत्यु होगा, आत्मा की तो मृत्यु नहीं है, न जायते न मृयते, आत्मा के जन्म भी नहीं है और मृत्यु नहीं है। तो आत्मा के आत्मा परमात्मा के मृत्यु कैसे होगा, अब उन्हें बताइए इसको समझिए। मैं किसे कहे इंद्रजालिक लीला किसको कहा जाता है, है? ये शरीर पंचभौतिक है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाए, इसके अंदर है ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त और इसके अंदर क्या रहता है, कौन रहती है, आत्मा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं आत्मा की मृत्यु नहीं है, न जायते न मृयते कदाचित भूता, आत्मा के जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है। और आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान कैसे मर गया, विद्वान लोग कैसे विश्वास करेंगे जब भगवान मर गया, भगवान कभी भगवान कभी मृत्यु नहीं, अरे आत्मा की यदि मृत्यु नहीं हो है? आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में चले, आप आत्मा के आत्मा परमात्मा मर नहीं सकते, मरना तो बहुत दुखी है, उसके बाण भी नहीं लग सकते, तीर भी नहीं लग सकते। तथापि भागवत में अंतिम श्लोक के द्वारा भी वर्णन करते जा रहे हैं, ये जरा वैद के द्वारा तीर से भगवान ने क्या की शरीर छोड़ करके चले गए और भगवान के शरीर वहीं पर पड़े रहे और फिर कुछ दारुकवासी लोग बचे हुए थे, इधर उधर जो थे और वो लोग ने क्या की ना भगवान के शरीर को जलाया। आज तक द्वारका जाते ना वहीं पर ब्राह्मण लोग कहेंगे कौन द्वारका गए, हाथ उठाइए, द्वारका गए वहीं पर ब्राह्मण लोग दिखाते ना यहाँ पर भगवान के दाह किया था, बताते कि नहीं बताते, जोर से बोलो। मैं तो द्वारकापुरी नहीं गई, 8-60 साल हो गया, मैं कभी गए ही मेरे जाने की इच्छा ही नहीं करता। हमारे शास्त्र में तो लिखा है जो द्वारकापुरी जाएंगे ना वहीं पर और कभी और राधा जी के सखी नहीं बन सकते। यदि राधा जी के सखी बनना है द्वारका मत जाओ, यदि रुक्मिणी सत्यभामा आदि के सखी बनना है तब का जाप कौन मना करेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे रुक्मिणी
अग्नि सत्यभामा दरका के परिकर बनना है, दरका जाओ, मना नहीं। वो सप्तदाई का भूमिका मुख्य दाई का भी कहा गया है, वहीं पर जाने से आपको छाई भस्म लगाएंगे। देखो वृंदावन में राधा कुंड के तट पर दो महात्मा रहते थे, आज तक भी कथा है, कथा नहीं है सत्य है। दो महात्मा रहते थे, 60 साल तक राधा कुंड में रह करके भजन किया दोनों भाई, प्रिंस था वो। कितने साल भजन किया? 60 साल। 60 साल राधा कुंड में रह करके भजन किया। एक दिन एक ब्रजवासी बोले, देखो आप तो संत महात्मा 60 साल राधा कुंड में रह करके भजन कर रहे हो, कहीं तीर्थ भी जाते नहीं, कुछ नहीं जाते, चलो हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। बड़े संत महात्मा बोले मैं नहीं जाते। छोटे संत महात्मा विचार करने लगे, मैं तो कभी देखा ही नहीं है तीर्थ स्थल, चलो इन लोग के साथ चले जाते हैं। छोटे संत महात्मा ने कहा कि राधा कुंड छोड़ करके और वो उन लोग के साथ तीर्थ भ्रमण करते करते द्वारकापुरी में पहुंच पधारे। द्वारकापुरी में जब पधारे और वहीं पर द्वारकापुरी में जाते वहीं पर आपके छाप दे देंगे, रुक्मिणी छाप देते हैं, भस्म लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? मैं तो नहीं गया, केवल मैंने सुना और शास्त्र में ऐसे लिखा है। द्वारकापुरी में जाओगे वहीं पर कहेंगे देखो भगवान यहीं पर मर गया और यहीं पर उनके हम लोग ने शास्त्र क्या किया, जलाया, ऐसे भी कहते हैं। हाँ, जैसे मैं इसलिए आगे कथा सुना इंद्रजाली की लीला, भगवान को भी जला दिया है। तो कहेंगे यहाँ पर जाओगे आपने देखा कि नहीं देखा, भगवान की स्थान वहां पर है, ये जलाते हैं ऐसे है। तो चलो वो चले गए, जाकर के सब दर्शन किया, दो महीने दरगापुरी में रहे, सब दर्शन करके फिर राधा कुंड पर आ गए, वृंदावन में राधा कुंड पर आकर भजन करने लगे। किंतु भजन किया तो राधा जी के मंत्र जप करने लगे और मंत्र में मन नहीं लगता उसका। पहले तो मन लग जाता था, अष्टकाली लीला भी स्मरण करते थे, राधा जी स्फूर्ति होता था है। किंतु जब से वो द्वारकापुरी से आए हैं है? और तब से उनको मन राधा जी में नहीं लगता। तो अपने बड़े भाई के बोले, ये भैया पहले तो राधा मंत्र में जप करता था और सब हो जाता था, राधा जी के दर्शन होता था, स्फूर्ति होता था, किंतु जब से मैं द्वारका घूम कर गया तब से राधा जी आती नहीं। तो बड़े भैया बोले, तुम सुनो, तुम द्वारकापुरी गए ना, वहीं पर रुक्मिणी के छाप तुम्हें लगा दी। राधा जी बोली, ये देखो मैं तुमको शिकार नहीं करते, जाओ ये सर। राधा जी उसको चिरकाल के लिए उसको वंचित कर दिया। तब छोटे भाई ने किया कि राधा जी के विरह में अपने शरीर से जोग बल से शरीर से अग्नि प्रकट करके वो राधा कुंड में शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए द्वारकापुरी जाओ, माना नहीं है, किंतु वहीं पर रुक्मिणी आदि के छप लगा लिया, भस्म लगा दी, तो राधा जी कभी आपके सखी के अपने सखी के रूप में शिकार नहीं करेगी। बोलो राधा रानी की। जो कथा मैंने सुनाया, देखो भगवान और द्वारकापुरी में जो मतलब ध्यान लीला, इसके भी कहा जाता है क्या, इंद्रजालिक लीला भी कहा गया। भगवान की कुछ लीला होता है जिसको क्या कहा जाता है, इंद्रजालिक लीला। लोगों के दिखाने के लिए उनकी भी छाई भस्म दिखाया गया, उनको भी जलाया गया है। जैसे मैंने वो लीला सुनाया नहीं, मदारी के लीला कथा सुनाया, वो इंद्रजालिक है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस जगत में अनेक इंद्रजालिक लीला आदि कराते हैं। इसलिए भगवान के तीन प्रकार की लीला दिखा गया। एक जो लीला, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में लीला होती है, उसके कहा जाता है नित्य लीला। और एक लीला होती है नैमित्तिक लीला, इस जगत में उसी लीला को नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट कराते हैं, लोगों के दिखाते हैं, अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवासि। और उसी लीला को भगवान दिखा करके उसमें कोई अभिष्ट हो जाए
है तो भगवान को प्राप्ति कर लो। और उसी जो है लीला में कुछ नैमित्तिक लीला जिसमें कृष्ण की जो है कुछ लीला जैसे पुतना बोध लीला, अभी भागवत कथा में है आप लोगों के निकट मैंने पुतना बोध लीला दिखाया, किंतु नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पुतना नहीं है। लीला तो करती रहते हैं किंतु पुतना नहीं है। यहाँ तक भी एक प्रकट लीला में कृष्ण जो गोपियां जब महाभाग में आविष्ट हो कुछ कुछ गोपियां लीला सब कृष्ण के लीला अनुकरण करते हैं उस समय पुतनावध पुतना कौन बने हैं हमारे एक ब्रह्मचारी पुतनावध करके पुतना बन गया था। चलो बात है किंतु देखो यहां तो ये प्रकट लीला में पुतना कोई कोई गोपी पुतना नहीं बना, कौन बना संयोग माया पुतना बन गया। ये सब लिखा है बहुत लोग जानते नहीं है तत्व सिद्धांत और नैमित इसे कहा जाता है भगवान की एक अनेक लीला कहा जाता है नैमित्तिक लीला कहा जाता है पुतनावाद लीला जन्म लीला अनेक लीला कहा जाता है नैमित्तिक लीला ऑक्सीजनरी लीला जिसको कहा जाता है नैमित्तिक लीला। और एक लीला मैंने क्या कहा क्या बोला इंद्रजालिक लीला जादूगर जैसे दिखाते हैं वो सत्य नहीं है जैसे भगवान के पैर में तीर लग गया जरा वैद्य ने भगवान के पैर में क्या मार दिया तीर मार दिया भगवान मर गया। भगवान भी अपने कर्म फल भोगते हैं भगवान के कर्म होते हैं इसलिए गीता में भगवान क्या कहा गीता पढ़िए जन्म कर्म जो मैं दिव्यम जो व्यक्ति तत्त्वतः मेरे जन्म कर्म जो है ये कदे अलौकिक कहा जन्म कर्म जो में जन्म कर्म जो में दीपम दीपम ने अलौकिक लीला है ये साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे इसे कहते हैं जन्म कर्म जो में दीपम जो व्यक्ति तत्त्व जो इसी के तत्व के जो जान लेते हैं पुनर्जन्म न विद्यते सोचते भगवान कहते हैं उसके संसार में आना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना आत्मा की मृत्यु नहीं है और आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान की मृत्यु कैसे हो तथापि इंद्रजाली की लीला दिखा दी है। अच्छा वो वैद कौन था जो जरा वैद वो कौन था भगवान के चरण के जो है हिरण मान करके तीर चलाए वो जरा वैद कौन था बाली था ये भी लोगों के दिखाने के लिए क्यों ये कर्मवादी लोगों के कर्मी कर्मवादी लोग कर्मों में विश्वास करते हैं जो जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलेगा तो भगवान के कर्म थोड़ी है। भगवान राम ने बाली को क्या मारा था तीर पीछे से तीर दे करके मारा था इसलिए बाली बोले ठीक है। दूसरी लीला में मैं ही तुमको जो है मार डालू एक कर्मवादी लोगों के लिए दिखाने के लिए एंड मूर्ख अब कर्मवादी लोगों के लिए दिखाया ये जैसे आपने कहा क्या कहा जो जरावैद कौन था राम लीला में बाली भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार पीछे से बाली को मार डाला उसी प्रकार वही बाली वो जरा व्याद होकर के कृष्ण लीला में दूर से कृष्ण के भी तीर देकर के मार दे ऐसे कर्मियों के रुचि बनाने के लिए कर्मों में जो रुचि रखते हैं ऐसे भागवत में अनेक श्लोक है जिसको कहते हैं मधु पुष्पित श्लोक वास्तव सत्य नहीं है लोगों के रिझाने के लिए मूर्ख अज्ञ व्यक्ति को रिझाने के लिए भागवत में अनेकों कथा कहा है। जिस प्रकार गाय आदि पशु के जो है उसके वशीभूत करने के लिए दो उपाय दिखा जाता है गाय है ना जो गाय बहुत उद्दंड होता है पशु उद्दंड होता है उद्दंड पशु को कैसे आप काबू करोगे बस बस में ले आओ दो प्रकार के द्वारा एक क्या है हरी हरी घास दिखाओ हरी हरी घास दिखा करके उसके ले आओ और गौशाला में लेकर उसे बंद कर दो जो गाय बहुत उद्दंड गाय होती है उसके हरी हरी घास समझ घास जो हरी हरी घास दिखा
और घास खाने के लिए ताने के लिए जब आई और गौशाला में जब प्रवेश कर लेंगे बस गौशाला के दरवाजे बंद कर दो, बंद हो गए। और यदि वो गाय इसमें वशीभूत नहीं होते हैं वो दंड पशु के कैसे करो? बोले मूर्खानां लघुडं जथा, संस्कृत में क्या गया? मूर्खानां लघुडं जथा, लघुड माने दंड। मूर्ख व्यक्ति के जैसे दंड दे करके पिटाई करके उसको सुधार जाता है, उसी प्रकार पशु आदि के भी दंड दे करके। तात्पर्य क्या है? जो कम बुद्धि वाले लोग होता है उनके भागवत पुराण आदि में अनेक जय रोचक कथा सुना करके उनको रिझाया जाता है, उसको रिझाया जाता है। नहीं तो लोग सुनेगा नहीं। अनेक कथा बड़े बड़े भागवत में कहा गया इमंस्ते राजन, हे महाराज परीक्षित, मैंने आपको अनेक बड़े बड़े राजा महाराज की भी दान पुण्य की कथा भी सुनाया जिसमें आता है हरिश्चंद्र महाराज दानवीर हरिश्चंद्र महाराज की। आप लोग जानते ना हरिश्चंद्र महाराज दानवीर, सिवी महाराज की कथा भागवत में आती है। ऐसे ऐसे दानवीर लोगों की कथा सुनी, युद्ध में वीर बड़े बड़े राजाओं की कथा भी श्रवण कराया, युद्ध करने वाले योद्धाओं की कथा सुनाया। जिसमें नाम आया उस दिन सुनाया था, क्या नाम है? खट्टंग राजा की कथा भी सुना है। भागवत में खट्टंग महाराज की कथा सुना है। इतने विशाल पृथ्वी के राज्य थे, राजा थे और स्वर्गलोक में गए देवता के पक्ष होकर के असुरों के पराजित किया। ऐसे बड़े बड़े सूरवीर राजाओं की कथा भागवत में। अच्छा ये सब कथा सुनाने के तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे लोगों की रुचि होती ऐसे रुचि वाली लोगों की कथा में अभिष्ट कराने के और अंत में ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य के बाद क्या होती है? भक्ति होता है। ऐसे जो लोग भागवत कथा में भक्ति में रुचि नहीं होते हैं उनके ज्ञान वैराग्य की कथा सुना तो धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य के पश्चात वो भक्ति में प्रवेश करें। इसलिए भागवत में अनेक कथा जो है इंद्रजालिक कथा है और नित्य लीला कथा और नवनित्य लीला कथा को श्रवण करें। काल द्वारकापुरी के आज शाम के समय द्वारकापुरी के कथा सुनाएंगे। देखो भगवान कृष्ण, समय हो गया ना, अर्थ साथ तैयार हो गया कि नहीं? देखो स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में 16,108 पाठरानियों के साथ कैसे रहने लगे और कैसे लीला आदि करने लगे। इस संसार में जैसे पति पत्नी के जैसे व्यवहार होते उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ लौकिक व्यवहार आदि करने लगे। इस कथा को कल हम एक शाम को हम सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। आरती करो और थोड़ा कीर्तन करो। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सामने से चार पांच माताएं हैं जो बोल रही, बाकी लोग देख रहे हैं कैसे बोलते हैं। अरे ठाकुर जी ने इतनी सुंदर वाणी दी है, इतनी सुंदर हाथ दिए, इनकी सेवा में लगा लो भाई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
राधा राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो पीछे वाले बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। देखो एक मृदंग बजाते हैं 150-200 लोगों की ताली की कुछ भी नहीं है अपना ताली की सेवा जोर से कर लो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा हरि गोविंद बोलो जय जय बैठे आप सभी खड़ी हो जाए। गोपाला गोपाला मुरली मनो हर बोलो बोलो जय जय मुरली मनो गुजरात में बड़े सुंदर डांस करते गरवाड़ा से गोल गोल घूमते अरे ठाकुर जी को गाना है ठाकुर जी को रिजाना है आइए सब आगे आगे आइए। अरे बैठना नहीं खड़े होते यार नहीं लड़ा बोलते लोग फोन करते हैं गुरबा तो बोलते हैं ना क्या होता है हरे मानो हरे नंदलाला तेरा शंबर
वो तो राधा जी के संग में अकेला, हाँ अकेला तेरा शाम बड़ा लाल मेला, वो तो राधा जी के संग में अकेला तेरा शाम बड़ा लाल मेला, वो तो राधा जी के संग में अकेला मर गया डेला तेरा शाम बड़ा लाल मेला।
आप लोग के गुजरात में सबसे प्रसिद्ध नृत्य क्या है? गरबा चौक होता है क्या? होता है गरबा नृत्य। गरबा चौक होता है कि नहीं? गरबा डांस। कैसे कैसे आप लोग करते हो? दिखाओ तो कम से कम, वही दिखाओ। हम जी गोविंद गोविंद Jai Govind, Jai Govind, Jai Govind.
रहे के दांत के मार्ग में नहीं जाते। छोटे बच्चे क्या करते हैं, नरम नरम चीज खाते हैं, बुड्ढों के दांत नहीं रहते, सबके चीज खाने जाते होता नहीं। इसीलिए आप है शैव, आपके पास है सब कुछ, ये सेवा में लगा लीजिए। उछलते हुए झूमते हुए जय गोविंद, 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Just stand and wait here.